अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं संपत्ति कर व जल कर की बकाया राशि एक मुश्त जमा करते हुए सरचार्ज में छूट का लाभ लेने के लिए बकायादार आज 9 दिसंबर शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर व जल कर के बकाया करदाता अपने बकाया करों की राशि एक मुश्त जमा कर शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में नगर निगम कार्यालय पहुँच रहे हैं। महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने बताया कि करदाताओं को कर जमा करने की सुविधाओं हेतु निगम कार्यालय के साथ ही निगम के झोन कार्यालयों भगवती सराय एवं उज्जैन रोड बस स्टैंड एवं न्यायालय परिसर में अतिरिक्त काउंटर लगाए गए हैं। निगम कार्यालय में कर जमा करने का समय प्रातः 9 बजे से कार्य समाप्ति तक तथा न्यायालय परिसर में शाम 5:30 बजे तक रहेगा एवं निगम कार्यालय में करदाताओं के लिए बैठने व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। महापौर ने कहा कि शहर के समग्र विकास हेतु करदाता अपने करों का भुगतान कर शहर विकास में सहभागी बने। सर बताएं, एक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार की छूट दी जा रही है, कब से कब तक चलेगा? आज 9 तारीख को नेशनल लोक अदालत है जिसमें संपत्ति कर जलकर पे नियम अनुसार हम छूट दे रहे हैं। जो बकाया करदाता है, बकाया करदाताओं के लिए आज का के दिन अगर उनके जितना भी बकाया है वो अगर कराते हैं तो जो छूट प्राप्त होगी तो उसमें उनको काफ़ी लाभ होगा। कब तक है? आज 9 तारीख के लिए ही है। क्या समय रहेगा सर इसका अंतिम? ये हमने सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक 9 बजे तक हमारे काउंटर चालू रहेंगे, करदाता आए और उसका लाभ लें। अच्छा, जो नगर निगम की और उपकेंद्र है वहाँ भी कोई लगा? हाँ, हमने 2 उपकेंद्र बनाए हैं हमारे, भगवती सराय और इटावा में बस स्टैंड पर हमारे 2 उपकेंद्र हैं, वहाँ पर भी अब जो वहाँ के आसपास के हैं वहाँ जाके आप उसका लाभ ले सकते हैं। सभी नगर निगम में हर वार्ड के काउंटर बने हुए हैं। नगर निगम संबंधी सारे घरों पर छूट दी जा रही है आज, संपत्ति और जल कर में। चलिए ठीक सर, आपका परिचय? नाम प्रदीप शास्त्री, राजस्व अधिकारी हूँ मैं।